कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ये चाहते हैं कि किरण कांग्रेस छोड़कर चली जाएं, लेकिन अब उनके पार्टी नहीं छोड़ने से कुछ लोग परेशान हैं। हिसार में किरण चौधरी से एक खास बातचीत की है टोटल न्यूज की ब्यूरो है डॉक्टर महेश कुमार ने। तो किरण चौधरी अपनी पार्टी के लोगों से नाराज नजर आ रही है, आखिर वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के अंदर खाने आखिर हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ बनी हैं। मैडम, मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे थे, अब सरकार के मंत्री भी सच का सामना करने को तैयार हो गए और तमाम मंत्रियों को यह कह दिया गया है कि गांव-गांव पहुंच जाएं, जनता से संवाद करें और खुद मुख्यमंत्री अब रात को भी जनसंवाद के दौरान गाँव में ही रुकने का काम करें। देखिए, वो उनकी सरकार है और उनको तो अब चुनाव सामने आ रहा है, तो ये काम तो जो है उनको करना पड़ेगा। सारों को, सभी लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन और जनता का सामना भी करना पड़ेगा। जो हालात जो पिछले 10 साल से हो रहे हैं उसका भी सामना करना ही पड़ेगा। मंत्रियों को भी अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो जिस तरीके से जनसंवाद मुख्यमंत्री का देखने को मिला था, उसी तरह के हालात का सामना मंत्रियों को भी करना पड़ सकता है। देखो, जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है और जनता जो है जब जनसंवाद होता है अपनी मुश्किलें अपना वो ही लेकर आते हैं, तो वो सुनना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना चाहिए। ये सरकार का काम है, मेरा मानना तो ये। कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी संकट है वही भारतीय जनता पार्टी का समाधान है, यही रामविलास शर्मा कहने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का संकट उनका समाधान बन जाएगा, आगे भी यही होगा, आपको क्या लगता है? ये रामविलास शर्मा जी की अपनी सोच है, उनकी सोच तक ही सीमित रहने दीजिए इसको। लेकिन कांग्रेस इस पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं भैया, मैं हूँ, शैलजा जी हैं, अपना रणदीप है, हम लोग काम कर रहे हैं, सारी जगह लगे हुए हैं और आप आगे देखिएगा और भी तगड़ी तरीके से लगेंगे। लेकिन हुड्डा जी भी हैं, उनका नाम का जिक्र आपने नहीं? जी बिल्कुल, वो हमारे CLP के लीडर हैं, वो अपनी तरह से कर रहे हैं काम, सब काम कर रहे हैं। आप भी कुछ जनता के बीच के कार्यक्रम रखे हुए थे, काफी सारी रैलियां आपकी तरफ से की गई थी, लेकिन वो सिलसिला रोक दिया गया। वो इसलिए क्योंकि बीच में इलेक्शन था ना, तो इलेक्शन ड्यूटीज के ऊपर हमारे को भेजा गया भैया, सारी जगह हमारे को भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो सारा अब ये सब फारिग हुए हैं, तो अब ये आपने देखा है प्रोग्राम मेरे शुरू हो गए हैं। मैं अभी बरवाला जा रही हूँ, चंद दिनों में जो है और प्रोग्राम्स मेरे तय हो गए। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक ही जो बात है वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, नेता भी यही कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की एकजुटता अगर बन जाए, तमाम नेता अगर एक साथ खड़े हो जाएं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ये एकजुटता ही सबसे बड़ा संकट है। बेशक, सही बात है ये जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल, इसमें क्या दूसरी बात तो है ही नहीं, लेकिन जो है इसके अंदर जो एकजुट होने की बात जो है, कायवाद जो है, जिनके पास पद होते हैं ये उनका पहल उधर से होनी चाहिए। लेकिन कोशिश तो थोड़ी बहुत आपकी तरफ से भी हो सकती है? हम जब थे तब हम अपनी पूरी कोशिश करा करते थे, आज हम नहीं हैं तो आज दूसरों को कोशिश करनी पड़ेगी। लगता नहीं है कि ये बीच की दीवार कहीं टूट पाएगी? देखो, हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, कांग्रेस की जो इश्यूज हैं विधानसभा में हों या बाहर हों, बेधड़क होके मैंने उठाई, सब जानते हैं। कोई मेरा जो है नीचे से हाथ मिलाने वाला सिलसिला नहीं है, आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं, जनता जो है सारा कुछ देख ही रही है और आने वाले समय में सारा कुछ जो है स्पष्ट हो ही जाएगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री को लेकर जो फ्री हैंड का जिक्र पूरे हरियाणा में चल रहा था, क्या वाकई फ्री हैंड जैसा कुछ है? फ्री हैंड कौन कह रहा है भैया? फ्री हैंड किस किस चीज का, मेरे समझ नहीं आई। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया है, ये फ्री हैंड क्या वाकई फ्री हैंड है? मैं एक बात जानती हूँ, कांग्रेस के अंदर सीनियर नेता हैं, रणदीप जी हैं, शैलजा जी हैं, मैं हूँ, कैप्टन अजय यादव हैं, सारे के सारे हैं, और कांग्रेस का जो जो स्ट्रेंथ है वो इस कारण है कि सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है, और वो जब सब एवरीवन कम्स टुगेदर, जैसे हुड्डा जी हैं उनका भी है, तो जैसे अगर सब एवरीवन कम्स टुगेदर तभी बात बनती है आगे। लेकिन अगर कोई ये बात कहे, मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं और मेरा और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं, फिर तो काम बनता नहीं है और वो बनेगा भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने भी इसी बात को उठाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी तक पार्टी में ऐसा संभव नजर नहीं आया। राहुल जी ने तो देखिए इतना जबरदस्त, उनका तो मैं कहती हूँ ये प्रोग्राम था, आज तक किसी नेता ने नहीं करा, जो पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोना हिंदुस्तान का जो है उन्होंने पैदल नापा है, ये किसकी हिम्मत है करने की।
तो उन्होंने जो करा है और आगे मैं समझती हूँ अगर सद्बुद्धि आई तो जरूर आगे ये मतलब नेताओं के अंदर तो आगे वो प्रोग्राम को एकजुट होकर जरूर करेंगे। आदमपुर बाय इलेक्शन जब सामने आया तो काफी ज्यादा शोर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मचा रहे थे कि किरण चौधरी आने वाली है, बस आने ही वाली है, लेकिन वो सिलसिला थमसा गया है, चुप से है लोग। अब किरण चौधरी के पीछे सब पड़े रहते हैं भैया, अब क्या करूं मैं और क्या करें बताइए। अब कोई कहता है कोई आ रहा है, कोई कह रहा है, कोई जा रहा है, कोई कह रहा है। बीजेपी पीछे पड़ी है कि कांग्रेस पीछे पड़ी है? ये सारे लोग हैं जो अपने, कांग्रेस के अंदर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा निकल जाए, पर अब उनके वो कहते हैं ना वो दुखी हो रहे हैं कि नहीं निकल रही। अच्छा, पहलवानों को लेकर भी आप जिक्र कर रहे थे कि ज्यादातर पहलवान जो है वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, भिवानी से संबंध रखते हैं, लेकिन पहलवानों की जो हक की बात है, जो उनके इंसाफ की बात है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? अब हमने तो पूरी तरह से समर्थन दिया है और देखो एक महिला होने के नाते मैं तो इस बात पे बहुत संगीन रूप से इसको समझती हूँ कि राजनीति की बात नहीं है। ये महिला खिलाड़ी हमारी कह रही हैं कि हमारे साथ इस तरह से जो है बर्ताव किया जा रहा है और उसको जो है तहकीकात करने के बजाय उनके कार्रवाई की तो बात छोड़ो, कार्रवाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तब FIR जाके दर्ज हुई है, लेकिन जब हमारी जो मेडल विनर्स जो हैं वो ये बात कहती हैं और उस बात को जो है सीरियसली नहीं लिया जाता और उल्टा जो है उनको और उनका ऊपर उत्पीड़न करा जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य है, हमारे देश के लिए नहीं हो सकता। चलिए, कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के सवाल को किरण चौधरी यहाँ पर उठाने की कोशिश में जरूर नजर आ रही है, चिंता ये जाहिर कर रहे हैं कि तमाम नेताओं की एकजुटता भी सवाल बनी हुई है और साफ ये बात कह रहे हैं कि जिन्हें बड़ी कुर्सियां मिली है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिली है, उन्हें पहल करनी होगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।